हेलो डियर लर्नर्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे मज़े में होंगे आज का जो वीडियो है अगेन वो कुमार यूनिवर्सिटी के बी एड सेमेस्टर फोर बी फोर जीरो फोर इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन का है यूनिट फोर हम पढ़ रहे हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आज का जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस इन दी क्लासरूम विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन इस वीडियो में कवर करेंगे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियोज को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आते रहते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अभी भी लाइन में हैं जो आने वाले हैं सो so, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो so, सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन की कि सोशलाइजेशन आखिर है क्या तो यहाँ डेफिनेशन कहती है कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच पीपल ऑप्टेन नॉलेज लैंग्वेज सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज टू एक्ट विद द नॉर्म्स एंड रूल्स रिक्वायर्ड फॉर द इंटीग्रेशन इन टू अ कम्युनिटी और अ ग्रुप तो भैयास ऑफ फंडा है कि हम लोग रहते हैं सोसाइटी में ये कहा जाता है कि वी ऑल आर ह्यूमन एंड ह्यूम आर सोशल एनिमल्स तो जब आपको सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है हमें आ, सीखने को मिलता है कि लैंग्वेज क्या है हम कैसे लोगों से बात करेंगे क्या आप बोलेंगे सोशल स्किल्स में यही सारी चीज़ें आती हैं वैल्यूज़ आती हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं उस वे में एक्ट करते हैं ताकि हम सोसाइटी का एक पार्ट बन सकें आप सभी को पता होगा कि आप जब चीज़ें सीखते हैं या मैनर्स की बात आती है तो आप क्यों लर्न करते हैं मैनर्स ताकि आप सोसाइटी में कहीं पर भी हों किसी तरीके से बिहेव करें तो कोई ये ना कहे कि यार ये बड़ा बदतमीज़ किस्म का इंसान है यानी लोगों को लगे कि हाँ ये प्रॉपरली बिहेव कर रहा है यानी कि कुछ नॉर्म्स है सोसाइटी के जिसके बेसिस पर आपको जज किया जाता है तो वही सारी चीज़ें जो है सोशलाइजेशन के थ्रू आप सीखते हैं वन ऑफ़ द एम ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन इज़ टू एनकरेज सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अमंग द चिल्ड्रन तो एक ये जो एम्स हैं आपके चाइल्ड हुड एजुकेशन के अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन के उसका एक एम ये भी है कि लोगों को यानी कि उस बच्चे को सोशलाइज़ करवाना सोशल इंटरेक्शन जो है बढ़ाना कम्युनिकेशन बढ़ाना टीचर्स एंड स्कूल मस्ट प्लान अबाउट हाउ टू प्रमोट सोशल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम विद द चिल्ड्रन तो यहाँ पे आ जाता है टीचर्स के ऊपर एक रोल स्कूल के ऊपर रोल कि वो प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली कि कैसे वो स्कूल में या क्लासरूम के अंदर बच्चों का जो सोशल इंटरेक्शन वाला पॉइंट है वो इंप्रूव करें वेन अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट्स इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम सोशल इंटरेक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्योर रिलेशनशिप एंड लर्निंग सो जहाँ पर बात आ जाती है डिसेबल चाइल्ड की और इंक्लूजन एजुकेशन की यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पर डिसेबल्ड बच्चा नॉर्मल बच्चा एक साथ पढ़ रहा है तो वहाँ पर ये इंटरेक्शन यानी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसके बिना वहाँ पर जो कम्यूनिकेशन है बिटवीन स्टूडेंट्स बिटवीन टीचर वो पॉसिबल ही नहीं होगा और जो कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें ऑब्सट्रैक्शनस क्रिएट होंगे सो so, इससे बचने का तरीका या फिर आप कह सकते हो कि इम्प्रूव करने का जो तरीका है एजुकेशन को या उस बच्चे की नॉलेज uh, को वो यही है कि आप वहाँ सोशलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करेंगे या सोशलाइजेशन को प्रमोट करेंगे वेज दैट कैन प्रमोट सोशलाइजेशन आर एज अंडर अब सोशलाइजेशन प्रमोट करने की तो बात हमने कर ली लेकिन आखिर हम करेंगे कैसे गए तो कुछ तरीके हैं यहाँ पर कुछ वेज़ दिए गए हैं कुछ आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसके थ्रू आप सोशलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसके अलावा बहुत सारे और पॉइंट्स भी हैं जो आप ऐड कर सकते हैं बट पहला जो पॉइंट है वह है शेयर्ड कंट्रोल अब ये शेयर्ड कंट्रोल क्या है टीचर मस्ट अरेंज प्लेइंग एंड अदर मटेरियल इन सच अ वे दैट बोथ द पार्टिसिपेंट्स हैव शेयर कंट्रोल ओवर आइटम्स एंड हैव टू मेक एक्सचेंजेस इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्लेइंग तो भाई सिंपल सा फंडा यह कहता है शेयर्ड कंट्रोल शेयर्ड कंट्रोल का मतलब कि जो टीचर है या जो स्कूल है वो क्या करेगा मटेरियल को इस तरीके से अरेंज करेगा कि जो बच्चे हैं आपस में उनको उसको एक्सचेंज करके यूज़ करना पड़े अब कैसे होगा ऐसा जैसा कि एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है कि भाई आप अगर बच्चे को इनक्रेज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए फॉर एग्जांपल आपने एक प्ले डो लिया प्ले डो का मतलब आप सब ने कहीं ना कहीं वो क्ले वाले गेम्स भी खेले होंगे जो जिसमें क्या होता है आपको एक वो क्ले मिल जाती है और उससे आप शेप्स बनाते हैं डिफरेंट तो अगर आप वैसा कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कुछ बच्चों को आप सिज़र दे दीजिए कुछ को रोलिंग पिन दे दीजिए रोलिंग पिन का मतलब जैसे वो बेलन होता है ठीक है तो आपने वो दे दिया अदर चाइल्ड कुकी कटर जो कुकीज़ कट करने वाला आता है या पिज़्ज़ा के साथ आपने देखा होगा या पिज़्ज़ा अगर आप बनाते हैं घर में कहीं पे तो आपके पास कटर होगा यानी आप एक टाइप से समझ लीजिए एक रोल एक व्हील टाइप का होता है लेकिन वो कटिंग के लिए यूज़ होता है ठीक है तो वो आप दे सकते हैं किसी बच्चे को जिससे कि वो मोल्ड्स को क्या करेगा कट करेगा अब ऐसे में क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये हर बच्चे को चाहिए होंगी और क्योंकि आपने लिमिटेड रखी हुई है तो ऑब्वियसली बच्चे क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू वो क्या करेंगे एक दूसरे से मांगेंगे फॉर एग्जांपल किसी को कोई शेप बनाना है तो जो रोलिंग पेन है या फिर आप कह सकते हैं बेलन वो मांगेगा किसी और बच्चे से सिमिलर वे में अगर उसे क्ले चाहिए या कटिंग के लिए उसे कटर चाहिए तो क्या करेगा दूसरे बच्चे से मांगेगा तो कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या होगा इंटरेक्शन होगा सोशल कम्युनिकेशन होगा और सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है यहाँ पर होगी देर मज बी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बाई चाइल्ड विदाउट नीडिंग एन एडल्ट इंटरेक्शन और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें कि एडल्ट इंटरेक्शन ना हो यानी कि टीचर उसमें इन्वॉल्व नहीं है कोई बड़ा उसमें इन्वॉल्व नहीं है बल्कि आपस में जो बच्चों का इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए सेकेंड जो आपका ऑप्शन आ जाता है वो सेम इसी से रिलेटेड है तो यहाँ पर क्या है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस की बात करी गई है क्लियर इंस्ट्रक्शंस का मतलब यह कि आप प्रिफर्ड प्ले आइटम जो भी है आपने डेटामाइन कर लिया कि ये बच्चों को देना है वहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना है जो कंट्रोल होगा या फिर शेयरिंग की जो प्रोसेस है वो होगी क्योंकि विदाउट शेयरिंग तो वहाँ इंटरेक्शन हो नहीं सकता देन प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज प्रॉम्स टू एनकरेज सोशल इंटरेक्शन और आपको वहाँ पर क्या करना है क्लियर इंस्ट्रक्शन देने है जिससे कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो हो सके जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये एक्टिविटी है ये बनाना है और साथ ही साथ जो भी आइटम्स हैं जो आप यूज़ करने वाले हैं वो आपको बताने पड़ेंगे कि ये इस पर्टिकुलर बच्चे के पास ये रोलिंग पेन है इसके पास दो है इसके पास कटर है इसके पास सीजर है और आपको एक्सचेंज करके उस चीज़ को लेना यानी आपको अगर चाहिए तो आप इससे मांगिए तो उससे इंटरेक्शन उनके बीच में होगा आस्क क्वेश्चन टू होल्ड अप ऑब्जेक्ट्स टू इल्सेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रन ठीक है तो ये जो इलसेट होता है उसका मीनिंग होता है ड्रा आउट यानी कि आपको क्या करना है ऑब्जेक्ट्स को उठाना है दिखाना है बच्चों को उनसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछने हैं टीच प्योर प्रॉम्प्स और रिस्पॉन्स सो एडल्ट प्रॉम्प्स कैन फेड तो इसका मतलब ये कि आपको बच्चों को सिखाना है कि बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि वहाँ पे एडल्ट प्रॉम्पस जो हैं यानी चाहे आप हों चाहे कोई और टीचर हो उनकी जो भी बातचीत है वो क्या हो जाए वो लिमिटेड रहे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से हो आंसर जो बच्चों की तरफ से हो ये यह यहाँ पे इसका पॉइंट है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंटिजेंट नेचुरल री कंटिनजेंट का मतलब होता है सिचुएशनल यानी कि कोई चीज़ जो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांज में सिचुएशन में होगी नेचुरल आप सभी को पता है और री का मतलब यहाँ पर जो है वो है कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर टाइप की बिलीफ जो है वो क्रिएट करी जाती है सो यहाँ पे लिखा है कि इंश्योर द डिजायर्ड रिस्पांस दैट इज गिविंग द चाइल्ड अ टॉय अकर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द चाइल्ड्स अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और इनिशिएशन ऑफ रिस्पॉन्स यानी कि अगर गिविंग ऑफ टॉय का एग्जाम्पल है कि आप उसे टॉय दे रहे हो तो वो इमिडियटली होनी चाहिए एज सोन एज बच्चे का रिस्पॉन्स वहाँ पर हुआ है फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड आस्क द पेयर फॉर द रोलिंग पिन मेक श्योर दैट द चाइल्ड रिसीव्ज द रोलिंग पिन इन द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन तो भाई यहाँ पर क्योंकि आप सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि अगर वो बच्चा किसी दूसरे बच्चे से बोल रहा है कि मुझे रोलिंग पेन चाहिए यानी वो बेलन चाहिए तो उसी समय वो उसको मिल भी जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कहीं ना कहीं फिर वो उसके माइंड में चीज़ होने लगेगी कि मैंने कम्युनिकेट किया जैसे होता है ना कई बार आप लोगों के साथ भी कि आप किसी को कोई चीज़ बता रहे होते हैं बोल रहे होते हैं और वो क्या करता है वो किसी और बात में लगा होता है आपकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है तो उससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आपकी बातों की इंपॉर्टेंस नहीं है या ये आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन कम कर देते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि अर्ली स्टेजेस में अगर उस बच्चे को रिस्पॉन्स का मतलब तुरंत नहीं मिला रिजल्ट तो वो कहीं ना कहीं फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा सोशल इंटरेक्शन की प्रोसेस जो है वो वहाँ पे रुक सकती है एज द चाइल्ड प्रोग्रेसिज विथ सोशल इंटरेक्शन डिटामाइन अप्रोप्रिएट वे टू नेचुरली प्रोवाइड री तो आपको यहाँ पे ये भी इंश्योर करना है कि नेचुरली उसको री मिले री यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू एक बिलीफ क्रिएट होती है तो यानी यहाँ पर एक बिलीफ उसमें क्रिएट करनी है तो आपको ये इंश्योर करना है कि हाँ भाई उसके अंदर ये बिलीफ क्रिएट हो कि दैट ही और शी वो दे आर वो अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ बोल रहे हैं तो उनको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडल्ट प्रॉक्सिमिटी एंड कम्युनिकेशन अब यहाँ पे एडल्ट आप सभी को पता है यानी हम लोग जो बड़े हैं एंड प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस ठीक है कि पास और कम्युनिकेशन आप सभी को पता है क्या होता है तो यहाँ पर पॉइंट है कि स्टे क्लोज टू मॉनिटर सोशल इंटरेक्शन विदाउट इंटरफियरिंग विद नेचुरल चाइल्ड पियर इंटरेक्शन यानी कि जो बच्चे हैं आपस में वो नेचुरली जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है उसको मॉनिटर करना है देखना है कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है लेकिन विदाउट इंटरफेयरिंग यानी आपको उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है आपको कुछ भी नहीं बोलना है ट्राई नॉट टू कमेंट अनलेस यू आर प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट टू फैसिलिटेट सोशल कम्युनिकेशन बिटवीन द चिल्ड्रन तो आपको वहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं बोलना है अनटिल एंड अनलेस आप कुछ ऐसा बोलने वाले हो जिससे कि उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन हो जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं आ, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गए हैं किसी रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर सडनली आपका कोई और फ्रेंड आ जाता है जो कि उस पर्टिकुलर फ्रेंड को नहीं जानता है यानी कि आप ये समझ सकते हैं सिचुएशन में कि एक्स और वाई ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं घूमने के लिए और यहाँ पे जेड है जो कि एक्स का फ्रेंड है वो यहाँ पे आ जाता है तो भाई वाई के लिए तो टोटली तो ये क्या है अननोन है वाई इसको नहीं जानता तो यहाँ पर ये दोनों बात भी नहीं करेंगे अब यहाँ पे एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक्स क्या कर रहा है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है यानी कि वो ये बता रहा है कि हाँ ये वाई ये है ये एक्स ये है एंड ऑल तो इनके बीच में क्या है वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि आपको क्या करना है सब कुछ मॉनिटर करना है कि कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है और आपको लेकिन इंटरफेयर नहीं करना है आपको इंटरफेयर सिर्फ तभी करना है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है स्टैब्लिश हो यानी सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो री डायरेक्ट चिल्ड्रन एज नीडेड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर रेदर देन विद द एडल्टो तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि बच्चे आपस में बात करें ना कि आपसे बात करें फॉर एग्जाम्पल ने यहाँ पर दिया है कि इफ द चाइल्ड आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम टेम और हर टू आस्क अ फ्रेंडिंग स्टडी यानी कि बच्चा आपके पास क्वेश्चन लेकर आ रहा है वो आपसे पूछ रहा है तो आपने उससे क्या बोला कि अपने दोस्त से पूछो या फिर उस पर्टिकुलर बच्चे से पूछो तो इससे क्या होगा कि सोशल इंट्रैक्शन उनके बीच में होगा सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो प्रमोट होगी फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें दैट इज़ मॉडल मैनर्स तो मॉडल मैनर्स क्या है इफ़ यू एक्सपेक्ट योर स्टूडेंट टू लर्न एंड डिस्प्ले गुड सोशल स्किल्स दैन यू नीड टू लीड बाई एग्जाम्पल तो मॉडल मैनर्स का मतलब है कि आप उसके लिए रोल मॉडल हैं आप जिस तरीके से करेंगे क्लासरूम में आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे तो अगर आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छी गुड सोशल स्किल्स जो है वो शो करें तो वहाँ पर आपको उनके लिए एग्जाम्पल जो है वो सेट करना होगा अ टीचर्स वेलकमिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड सेट्स द टोन ऑफ बिहेवियर बिटवीन द स्टूडेंट दे लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड वैल्यू इंडिविजुअल्स। तो जो टीचर का बिहेवियर होगा टीचर का जो टोन है उसके बेसिस पर ही वो बच्चा भी सीखेगा और फिर वैसे ही अपने जो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स हैं उनके साथ या सोसाइटी में और जो मेम्बर्स हैं उनके साथ वो बिहेव करेगा इन अदर वर्ड्स प्रैक्टिस वट यू प्रीच इन शॉर्ट ये आप इससे समझ सकते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वही आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए ऐसा नहीं कि आप किसी को बता रहे हैं कि ऑनेस्ट होना है लेकिन आप खुद ऑनेस्ट नहीं है तो वो चीज़ गलत है यानी आप जो करेंगे वो चीज़ वहाँ पे उनको अफेक्ट करेगी सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है असाइनिंग क्लासरूम जॉब्स तो जो क्लासरूम जॉब्स होती हैं उसके थ्रू भी क्या होता है सोशल इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होता है अब असाइनिंग क्लासरूम जॉब्स में क्या है आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि बच्चा जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी डिस्प्ले कर पाए टीम वर्क लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो इन्हेंस कर पाए ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पेपर है जैसे आप क्लास में गए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपी है या कलेक्शन ऑफ कॉपी है तो क्या करते हैं टीचर्स दे देते हैं बच्चे को कि कॉपी कलेक्ट करके ले आना या कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देना या फिर अटेंडेंस लेना ठीक है या फिर किसी को क्लास मॉनिटर बना देना तो ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स को जो है वो हाईलाइट करता है और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं ज़्यादातर क्लास जॉब्स जो हैं वो रोटेट करते हैं मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे और करनी चाहिए उनको इससे क्या होगा कि बेनिफिट यह मिलेगा कि सबको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेट करने की दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग योर वर्कलोड साथ ही साथ ये जब चीज़ें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डेलीगेशन कर रहे हैं और इससे आपका खुद का जो वर्क लोड है वो भी क्या होगा कम हो जाएगा उसके बाद आती है रोल प्ले सोशल सिचुएशंस अब जैसा कि होता क्या है रोल प्ले का मतलब तो आप सभी को पता होगा कि जब आप किसी चीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं एक्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि सिर्फ उनको लेसन या कॉन्सेप्ट आप ना समझाएं बल्कि उनको सोशल स्किल्स के बारे में भी आप सिखाएं और ये कैसे हो रहा है सोशल स्किल्स के बारे में सिखा के वो तभी होगा जब वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है जब हम लेसन पढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का तो हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि जब आप बच्चे को ऐड करना सिखाओगे यानी एडिशन सिखाते हैं तो आप क्या करते हैं उसके बाद उनको कुछ वर्कशीट देते हैं कुछ क्वेश्चन देते हैं जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सकें ठीक है और उससे आपको पता चल जाता है या टेस्ट लेके आपको पता चलता है कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया सिमिलर वे में जब आप सोशल स्किल्स सिखाएंगे तो उनके ऊपर भी यही रूल अप्लाई होगा लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने सोशल स्किल सीखी या नहीं तो उसका एक मैथड है वो है रोल प्लेइंग रोल प्लेइंग का मतलब कि आप उनको एक प्लान सिचुएशन दे सकते हैं और फिर उनको आप इनक्रेज कर सकते हैं कि वो एक्ट आउट करें उस चीज़ को जैसे आपने कोई भी एक नॉर्मल सिचुएशन दे दी किसी की हेल्प करने का या कुछ भी एक्स वाई जेड तो वहाँ पे क्या होगा कि दे कैन एक्ट और उससे भी आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या सीखा वहाँ पे आप उनको करेक्ट करके भी बता सकते हैं कि आपने इस जगह पे गलत किया ये ऐसा होना चाहिए ठीक है एंड आपका लास्ट पॉइंट जो है इसमें वो है एक मैथड क्लास स्टोरीज़ का तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में क्लास स्टोरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्टोरीज़ जो हैं बहुत सारी हैं बच्चों के लिए तो टीचर यहाँ पर स्टोरीज़ के थ्रू भी उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सोशल स्किल्स जो हैं सिखा सकते हैं साथ ही साथ टीचर मस्ट फाइंड स्ट्रैटेजीज टू इनकॉपरेट दीज स्टोरीज़ इन योर क्लास प्रोग्राम्स तो यहाँ पे टीचर को स्ट्रैटी बनानी पड़ेगी कि कैसे आप उन स्टोरीज़ को जो है वो अपनी क्लास रूम में अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करोगे जिससे कि बच्चों को बेनिफिट मिले यू कैन स्पेयर सम टाइम ईच डे टू नरेट अ स्टोरी टू द एंटायर क्लास और टू यूज़ अ स्टोरी टू टीच अ लेसन अब आपके पास ऑप्शन ये यह है यहाँ पर या ये पॉइंट ये कहता है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ टाइम जो है वो निकालना चाहिए ताकि आप स्टोरी सुना सको बच्चों को या फिर अपना लेसन जो आप पढ़ा रहे हो वो भी आप स्टोरी के फॉर्म में उनको करा पाओ और एक पॉइंट और भी था इसमें जो मैंने ऐड नहीं किया वो ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टोरीज़ आपके खुद की हों ठीक है तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा बट फिर भी ये ट्राई करना चाहिए कि आपके खुद की स्टोरीज़ हों सो so, ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं और आने वाली भी हैं और बहुत जल्दी चाहे वो एम एस हो वर्ड हो या फिर पावर पॉइंट हो उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर और साथ साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ तो आने वाली हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल